नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निकला है, क्रमांक देख सकते हैं आप 1838 भोपाल, दिनांक 23/2/2022 को ही निकला है। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत, पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत पूर्व निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण कार्यों के उपयोगकर्ता समूहों से संवाद के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी भी संग्रहण संरचनाएं हैं, जैसे तालाब हुआ, चेक डैम हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो भी हुई उससे रिलेटेड हमें उनको पुनर्जीवित करना है, नवीनीकरण करना, जीर्णोद्धार करना, तो उसके संबंध में अब संवाद होगा। तो संदर्भ दिया हुआ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक देख सकते हैं। तो संदर्भित पत्र द्वारा पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत पूर्व निर्मित तालाबों, चेक डैम तथा स्टाफ डैम के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार समस्त जिलों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस अभियान के कार्यों की समीक्षा आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इसके अतिरिक्त मार्च के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण की जा रही जल संग्रहण संरचनाओं के उपयोगकर्ताओं समूहों से ऑनलाइन संवाद भी प्रस्तावित है। अतः इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। पहला है पुष्कर धरोहर अभियान, ठीक है, मेन अभियान का नाम क्या है, पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत चयनित समस्त जल संग्रहण संरचनाओं के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति TS और AS 28 फरवरी 2022 तक जारी करना, ठीक है, 28 फरवरी तक जारी करना ही है। दूसरा पॉइंट है यह सुनिश्चित करना कि जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण पश्चात जल संग्रहण संरचनाओं में एकत्रित जल के उपयोग सिंचाई, मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन हेतु उपयोगकर्ता समूह का गठन कर लिया गया है, ठीक है। क्या इन समूहों के सदस्यों को किए जा रहे कार्यों से प्राप्त होने वाले लाभ की संपूर्ण जानकारी है, ये हमें बताना है उन्हें, ठीक है। तीसरा है पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त TSS सभी जिनकी हो गई है, सभी जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण कार्यों को अविलंब प्रारंभ करना, जिन कार्यों की TSS हो चुकी है उन्हें जल्दी जल्दी प्रारंभ भी करना है। चौथा है पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत कार्यों की प्रगति अंकेक्षण हेतु मनरेगा द्वारा अपलोड की गई गूगल शीट में अंकित किए गए आंकड़ों का 28 फरवरी 2022 तक अनिवार्यता सत्यापन, इस स्थिति के बाद गूगल शीट में अंकित आंकड़े फाइनल माने जाएंगे, ठीक है। भविष्य में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे, मतलब ध्यान से कार्य करना है दोस्तों। पांचवा है माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद हेतु प्रत्येक जिले द्वारा जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण की गई या की जा रही न्यूनतम 5 जल संग्रहण संरचनाओं एवं उनके उपयोगकर्ता समूह का निर्धारण कर लिया जाए। इन निर्धारित जल संग्रहण संरचनाओं के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण का विवरण मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर से संलग्न प्रपत्र में डिजिटल फोटोग्राफ सहित दिनांक 1 मार्च 2022 तक अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करा दिया जाए। संलग्न उपरोक्त अनुसार प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों यह फॉर्मेट हम देख लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री संवाद हेतु पुष्कर धरोहर अभियान अंतर्गत जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण की गई या की जा रही जल संरचनाओं का विवरण में इसका PDF भी अपलोड कर देता हूं, तो आप आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। विषय वस्तु है संरचना का नाम, जैसे तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम क्या है वो, संरचना क्रमांक 1, संरचना क्रमांक 2, संरचना क्रमांक 3, 4 और 5 इस तरह से देना। संरचना का स्थल, खसरा नंबर ये देना है, ग्राम का नाम देना है, ग्राम पंचायत का नाम देना है, जनपद पंचायत का नाम देना है, संरचना के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण हेतु लिए गए कार्यों के नाम देना है, यहाँ क्या कार्य हैं पूरे नाम देना है, संरचना के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण हेतु लिए गए कार्यों की कुल लागत रुपए लाख में कुल लागत कितनी है वो लिखना है। तो ये दोस्तों वेरीफाइड होकर ही लिखें आप इंजीनियर महोदय से TSS करवाने के बाद ही। संरचना के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के फलस्वरूप सिंचाई क्षमता में अपेक्षित विस्तार हेक्टेयर में, कितने हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विस्तार हो सकता है वो लिखना है। संरचना के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के फलस्वरूप अपेक्षित मत्स्य उत्पादन क्विंटल में, ठीक है, आप कितना इसमें मत्स्य उत्पादन हो सकता है वो देखना है, मछली उत्पादन पूरा आपको देखना है। संरचना के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के फलस्वरूप अपेक्षित सिंघाड़ा उत्पादन क्विंटल में, सिंघाड़ा उत्पादन कितना हो सकता है वो देखना है। संरचना के जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आउटकम
फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आउटकम के उपयोग के लिए गठित उपयोगकर्ता समूह की संख्या कितनी है, हर उसमें लिखना है आपको। उपरोक्त अनुसार उपयोगकर्ता समूह में शामिल सदस्यों की संख्या लिखना है, कितने सदस्य शामिल हैं इसमें समूह में। एक मतलब मान लीजिए एक समूह है या दो समूह जितने भी हैं, तो उनमें कितने सदस्य हैं वो भी यहाँ पर लिखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु चयनित उपयोगकर्ता दल के सदस्य का नाम और मोबाइल नंबर, जो ऑनलाइन संवाद होगा तो उसमें सदस्य का नाम भी लिखना और मोबाइल नंबर भी। ये दोस्तों जाएगी जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर से। तो दोस्तों आप ये जानकारी मैंने आपको बताई क्योंकि ये ग्राम पंचायत से पूछी जाएगी, उसके बाद ही जनपद में जाएगी, फिर जनपद से जिले में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बताइए, ये मैं फॉर्मेट आपको अपलोड भी कर देता हूँ पीडीएफ रूप में, आप डाउनलोड करके प्रिंट कर फिल भी कर सकेंगे। और भी न्यू अपडेट इस पर आएगा, जो भी करना है आगे तो मैं आपको अवगत कराते रहूँगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।